देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पबजी के चक्कर में आत्महत्या। शहर के अंबाझरी थाने के अंतर्गत आने वाले जुना फुटाला तालाब परिसर में 20 वर्षीय रीति किशोर ढेंगे नाम के युवक ने कल फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रीति को पबजी खेलने की आदत थी। वह अकेले कमरे में गेम खेलने में व्यस्त रहता था। उसे माइग्रेन की समस्या भी थी। कई डॉक्टरों के पास जाने पर भी उसका माइग्रेन कम नहीं हो रहा था। पिछले करीब 8 दिनों से ऋतिक काफी तनाव में था। बुधवार दोपहर सबके सो जाने के बाद ऋतिक ने अपने कमरे में सीलिंग पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। तो वही दहेज के लिए नवविवाहिता से अनैसर्गिक कृत्य करने का मामला नागपुर के कुकरेजा नगर में सामने आया है। 26 वर्षीय पीड़िता एक संपन्न परिवार से है। 26 जून को उसकी आरोपी युवक से शादी हुई थी। ससुराल में आते ही पीड़िता के घर वालों से 50 लाख रुपए के दहेज की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल में उसके गहने छीन लिए गए। पति उसके साथ अनैसर्गिक कृत्य करने लगा। इसका विरोध करने पर पीड़िता की पिटाई होने लगी। दहेज के लोभियों ने घर में तांत्रिक भी बुलवाया। उसके सामने पीड़िता के हाथ पैर बांधकर उसे पीटा गया। यह बात घर से बाहर बताने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई। थक हार कर पीड़िता ने जरीपटका थाने में ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। नागपुर में लॉकडाउन के दौरान हत्याओं का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह अब भी जारी है, लेकिन इस बार हत्या का एक प्लान उसे अंजाम देने से पहले ही फेल हो गया। प्रताप नगर के कुख्यात गुंडे गोलू मलिक की हत्या की योजना फेल हो गई। गोलू के खिलाफ हत्या, दंगे सहित कई मामले दर्ज है। उस पर कल अजिंक्य नेवरे नामक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। खतरा भाग कर गोलू अपनी कार में सवार हो गया। उसका शोर सुनकर उसके दो साथी मदद के लिए दौड़े। यह देखकर अजिंक्य वहां से भाग गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।